मेरा नाम अमृतपाल ब्राट, मेरी रहाइश फरीदकोट है जी। आई एम जस्ट अ टी एम लवर। मैनू अज बड़ा अच्छा लगा अज तुसी मेरे कोल घर आए हो। रादर मैं कहूँगा भी जड़े मेरे डॉग्स है इन्हों का मैनू एक बहुत वड्डा फायदा मिलया भी दूसरी बार तुसी सिर्फ डॉग्स करके मेरे कोल तुसी मैंने इतने विजिट किया, मैनू बहुत अच्छा लग्या। जड़े तिब्बतन मैस्टिफ्स होंगे है जी, ये एक्चुअल च ब्रीड हैगी है, जे आप वैसे नाम तो ही देखांगे तां ये हैगी है तिब्बत मैस्टिफ। जड़े तिब्बत तो डॉग्स आए है, मैस्टिफ स्टैंड फॉर जड़ी कि बहुत साइजेबल ह्यूज साइज डॉग्स होंगे है। तो तिब्बतन मैस्टिफ डॉग्स का बड़ा शौक है और मैं इस ब्रीड का दिलों फैन है। मैं कोशिश की भी मैनू अच्छे तिब्बतन मैस्टिफ जितों भी अवेलेबल हो सकन मैं उन्होंने लिया के आपदे कोल आपदे बच्चों को रख रहा हैं। जेडे तिब्बत मैस्टिफ डॉग्स होंगे है ये बेसिकली जेडे टीएम है ये तिब्बत के डॉग्स है। मैस्टिफ का मतलब है भी बहुत ह्यूज साइज डॉग्स। तिब्बत के जेडे डॉग्स है ये सब तो जड़ी टीएम ब्रीड है सब तो पुरानी ब्रीड है। सब तो कई हज़ार साल पहला भी जदों हजे आम डॉग्स हजे सरवाइव नहीं कर रहे थे तो उदों भी तिब्बतन मैस्टिफ रफ कंडीशन उत्थे बिल्कुल रिमोट एरियाज रफ वैदर च रफ कंडीशन च सरवाइव करते हैं। तिब्बत दे कंडीशन ये है भी बहुत उपर हाई आल्टीट्यूड ते जिथे ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल घट होंदा उत्थे भी ये डॉग्स आपदे जड़े शीप फ्लॉक्स है उन्हां दी रक्षा करदे है भेड़ियां तों शेरां तों। एको ही नस्ल है जड़ी कि शेरां दे नाल भी लड़ जांदी है। इस ब्रीड दा एक सब तो वधिया फायदा ये है भी ये ब्रीड घर च रखण लई बच्चों लई बहुत ही सेफ है। बच्चों प्रति बहुत ही इन्हों का लगाव रहिंदा है, बच्चों नूं बिल्कुल भी इन्हों तों खतरा नहीं गा। आपदे एरिए दे विच उत्थे ये इन्हां दी जिन्नी गार्डिंग ये डॉग कर सकदा है शायद ही कोई होर डॉग इन्नी गार्डिंग कर सकदा होवे। सुबह ये तकरीबन आराम करदे है, रात नूं ये पूरे अलर्ट हुंदे है। रात नूं टोटली इन्हां दा दूर दूर तक कोई भी चिड़ी भी दी आवाज़ भी सुनदे किसी तरह की कोई आवाज़ सुनदे है तो बिल्कुल अलर्ट रहिंदे। मैनू तकरीबन 7-8 साल पहले ही शौक पिया सीगा। चलो कोशिश सी कि मैं अच्छे डॉग्स लेके आवां। अज असी गल करांगे टीएम ते हिमालयन शीप डॉग जिन्हों असी गद्दी डॉग कहने हैं उहदे च डिफरेंस की हुंदा है। बहुत लोगों के मन च सवाल है भी ये तो सेम है जी इन्हां च कोई खास फर्क तो हुंदा नहीं गा, कोई उन्हों गद्दी कह दिंदा है कोई उन्हों टीएम कह दिंदा है। इन्हां च जिहड़ा बेसिक डिफरेंस ये है भी जिहड़ा गद्दी डॉग है जिहनूं असीं हिमालयन शीप डॉग कहने हैं ये साडा नेटिव डॉग है जिहड़ा कि हिमालयाज अपर हिमालयाज च ये हुंदा है। उत्थे भी ये जिन्ने भी अपना भेड़ां वगैरह जिहड़ियां रखियां हुंदियां जिहड़े पशु वगैरह रखे हुंदे आ उहनां दी प्रोटैक्शन करदे आ। ज़्यादा सर्दी पैण ते ये नीचे आ जांदे डॉग्स। जिहड़ा गद्दी डॉग है उहदी हाइट तकरीबन 32 इंच भी हो सकती है 33 इंच भी हो सकती है। थोनू बड़े ईजली 33-34 इंच दे गद्दी डॉग्स मिल जाएंगे पर कदे भी थोनू टीएम 33-34 इंच हाइट से जल्दी नहीं मिलेगा। कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस ही थोनू टीएम है जड़ा वो 33-34 इंच हाइट से मिलेगा। टीएम दी जड़ी स्टैंडर्ड साइज़ है मेल का वह है 26-28 इंच, फीमेल का 24-26 इंच। बट फिर भी जड़ा अच्छा डॉग है वो 30 इंच तक बड़े आराम नाल चला जाता है। जड़ा टीएम है ये एक प्रपोर्शनेट डॉग होंदा है, ओवरऑल यदि कला साइज नहीं मैटर करता, यदा हैड यदा मजल यदा स्ट्रक्चर मैटर करता है जड़ा कि गद्दी दे विच वो चीज़ मैटर नहीं करती। गद्दी एक प्रपोर्शनेट डॉग नहीं होंदा, टीएम एक प्रपोर्शनेट डॉग
टीएम एक प्रोपोर्शनल डॉग होंदा है, इहदा जिहड़ा हैड है वह ब्रॉड मजल शॉर्ट कोट ज़्यादा, खास करके जिहड़ा फ्रंट पोर्शन है वह जिन्ना चेस्ट जिहड़ी हैगी है वह ब्रॉड होनी चाहिए है, फर इहदे ज़्यादा हुंदी है। इहदे अदरवाइज जिहड़ा गद्दी डॉग है वह साइज़ 'च वड्डा जरूर हुंदा है, बट उहदा जिहड़ा हैड मजल है वह उन्ना ज़्यादा हैवी नहीं हुंदा जिन्ना टीएम दा हुंदा है। उहदा जिहड़ा मूँह है वह थोड़ा जिहा उन्ना ज़्यादा शॉर्ट मजल नहीं हुंदा गा जिन्ना टीएम दा हुंदा है। उहदा जिहड़ा कोट है उहदा कोट भी बहुत इहदे नाल उन्ना डेंस नहीं हुंदा जिन्ना इह डेंस हुंदा है। पर इस ब्रीड दे मैं मतलब बेनीफिट दे नाल नाल एक थोड़ी जिही प्रॉब्लम भी हैगी है भी ये ब्रीड क्योंकि इहदी मेंटेनेंस है जिहड़ी इहदी ब्रिंगिंग अप है वह बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है बिकॉज हेरी ब्रीड है। एक्चुअल दे विच ये ब्रीड जिहड़ी हैगी है ये पहाड़ां दी हिल्स दी ब्रीड है जिथे कि साल च उन्हां नूं 11 महीने 10 महीने बर्फ मिल जाए वो इन्हां लई बहुत अच्छी है, जबकि जिहड़े नॉर्दर्न रीजनस हैगे आ उत्थे इन्नी मौसम जिहड़ा हैगा अच्छा नहीं हुंदा गा इन्हां लई। फिर इन्हां नूं जे तुसीं फर क्वालिटी मेनटेन करनी है तां फिर थोनू इन्हां लई बड़ा थोनू ऐड ऑन चीज़ां विच करनियां पैणगियां, लाइकवाइज थोनू इन्हां नूं सारियां गर्मियां च एसी प्रोवाइड करना पऊगा, फिर थोनू इहदी कोट कंडीशनिंग मेनटेन रख सकते हो। एटलीस्ट 7-8 महीने इन्हां नूं एसी दी रिक्वायरमेंट हैगी है, इस करके उस पॉइंट ऑफ व्यू नाल फिर एक इन्हां नूं थोड़ी जी खुली जगह चाहिए है जिथे ये छोटे घरां लई ये ब्रीड रिकमेंडेड नहीं हैगी गी। एट प्रेजेंट मेरे कोल 3 टीएम्स हैगे है, जिहड़ियां टीएम्स दे विच जिहड़ियां अच्छियां लाइन्स हैगियां है वह लक्की वी आर नाओ भी साडे कोल इंडिया दे विच भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रीडर्स हैगे जिन्हां कोल बहुत अच्छियां लाइन्स इंडिया 'च अवेलेबल हैगियां। अदरवाइज जिहड़ियां टीएम्स हैगे है वह हुण इंडिया ने आपदी जिहड़ी बेसिक ब्रीड सीगी हिमालयन शीप डॉग इहदे थोड़ा अफसोस नाल भी कहना पैंदा असीं उहनूं संभाल नहीं पाए गए, जबकि जिहड़ी टीएम ब्रीड है इहनूं थोड़ा जिहा बड़ा मतलब हजे भी यूरोप ने अमेरिका ने इहनूं संभाल लिया। ये मेरी ज़ारा है, ये अमेरिका तो आई सीगी फ्रॉम ड्राकी कैनल। मेरे कोल होर भी दो डॉग्स हैगे है वो दोनों ही एक अमेरिका तो है वो भी रूबी वो भी सेम कैनल तो है, एक हैगी है एक मैं हुण रीसेंटली डॉग इंपोर्ट कराया सी चाइना तो। हुण इत्थे चाइना तो भी मैं एक गल शेयर करनी चाहूँगा भी चाइनीज़ टीएम कह देंदे है या चाइनीज़ एओ आपां उन्हां नूं कह सकते हैं। चाइना 'च दो तरह के डॉग्स है, एक नेटिव चाइनीज़ टीएम्स है, एक जिहड़े हुण चाइना ने रीसेंटली डिवेलप किए है ओ टीएम्स है। जिहड़े रीसेंटली डिवेलप टीएम्स हैगे है उन्हां नूं असीं अच्छे डॉग्स नहीं कहिंदे बिकॉज उन्हां 'च हैल्थ इशूज बहुत है, वो कई डॉग्स का ब्लड इकट्ठा करके ही उन्हां नूं जिहड़ा हैगा उन्होंने एक बहुत मैसिव डॉग बनाने की कोशिश की है जिहदे करके उस डॉग्स 'च बहुत ज़्यादा हैल्थ इशूज आ जाते हैं। जिहड़े नेटिव चाइनीज़ हैगे है इन्हां 'च कोई हैल्थ इशूज़ नहीं हुंदे गे, रादर वो बहुत ही रिमोट एरियाज हैगे है और जिहड़े सही जीन्स प्रिजर्व किए हुए है वो थोनू नेटिव चाइना चों भी अवेलेबल हो सकते हैं अगर तुसी उतों तक पहुँच पाओ। तो मैं ट्राई की सी टू भी कोई अच्छा मैं जड़ा है नेटिव डॉग भी चाइना तो लिया सकां, तो मैं लक्की रहा मैनू एक तो इस कलर च ही मैनू थोड़ा जहा इस कलर मेरे लिए ये कलर थोड़ा जहा मैनू बहुत अच्छा लगता सीगा, अदरवाइज टीएम च ये कलर बहुत थोड़ा जहा रेयर आउंदा है। मैं इस कलर नू लियाउण दी खातर नेटिव चाइना ट्राई किया तो मैं आई वॉज़ लक्की मैनू एक डॉग उतों अवेलेबल हो गया जिहड़ा कि मैं लास्ट ईयर लैके आंदा सीगा, ते ओ नाओ इज़ अबाउट नीयरली अबाउट 2 ईयर्स ओल्ड।
इसलिए तो जोड़े नेटिव चाइनीज़ है वो मैं रिकमेंड करूँगा, वो भी अच्छे डॉग्स है, बट जोड़े नवे चाइनीज़ डॉग है मैं उन्होंने रिकमेंड नहीं करूँगा भी, क्योंकि उन्होंने हेल्थ इशू बहुत आ जाते और वो 5-7 साल तो बाद उन्होंने लाइफ नहीं रही गी। सिर्फ चाइना ने वो डॉग्स जोड़े है पैसा बनाने लिए वो डॉग्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, लोग उन्होंने पे कर रहे हैं, बट मैं उन्होंने रिकमेंड नहीं करूँगा। ओके थैंक यू जी, तुम टाइम दिता बड़ा अच्छा लग्या, तुम टाइम कढ़िया टीएम्स बारे साढ़े को तुम जानकारी ली, मैनू भी खुशी हुई। असी भी चाहते हैं क्योंकि मैं खुद इस ब्रीड का लवर हाँ, असी चाहते हैं भी ये ब्रीड जिनी क वध होर इंडिया च आ सके, डिफरेंट लाइन्स इतने इंडिया च आ सकन, सानू खुशी होगी। सानू अच्छा लग्या तुसी साडे लई टाइम कढ़िया, थैंक यू।